संभूति मतलब बिकमिंग, बिकमिंग के बदले में परिवर्तन, लिख लिया। सेकंड पॉइंट यहां पे, ज्ञान और मत की विवेचना है तो ज्ञान एवं मत लिख लेंगे। ज्ञान एवं मत की विवेचना है तो ज्ञान और मत की विवेचना है तो विवेचना। तीसरा पॉइंट, सत एवं आभास की विवेचना है तो सत एवं आभास की विवेचना है तो फोर्थ, एकता एवं विविधता की व्याख्या है तो एकता एवं विविधता। नेक्स्ट, अनिवार्य सार्वभौम एवं वस्तुनिष्ठ ज्ञान की व्याख्या है तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान की व्याख्या है तो एक बार फिर से बोलना, सारे लोग बोलना। प्लेटो ने यहां पे लिख देंगे, प्लेटो से पहले ग्रीक दार्शनिक लिख लो आप, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो। अब देखो, प्लेटो पे कोई सवाल आ गया, प्रत्यय सिद्धांत कभी भी आ गया, तो हम बोलेंगे ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सत और संभूति कौमा ज्ञान एवं, बोलो ज्ञान एवं मत कौमा सत एवं आभास कौमा एकता एवं कौमा अनिवार्य एवं अनिवार्य साधवम एवं वस्तुनिष्ठ ज्ञान की व्याख्या हेतु प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हम एक दो छोड़ भी सकते हैं, हम एक दो लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है, पूछ सकता है कि प्लेटो ने सत और संभूति की व्याख्या कैसे की है, तो हम बोलेंगे ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सत और संभूति की व्याख्या प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर की है। किसी पे भी सवाल जा सकता है। मान लो पूछ दे ज्ञान और मत की विवेचना करें, ज्ञान और मत के अंतर की, तो बोलो प्लेटो ने ज्ञान और मत की विवेचना प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर की है। यस और नो? अगर मान लो सत और आभास पूछ दे तो कैसे शुरुआत करोगे? ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सत और आभास की व्याख्या, और अगर सीधे सीधे प्रत्यय पूछ दे, मान लो पूछ दे प्रत्यय सिद्धांत की विवेचना करें, कैसे शुरुआत करोगे? दो तीन लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं पांचों लिखें। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सत और संभूति कौमा कौमा एकता और विविधता की व्याख्या हेतु प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाइन ऐसे लिखना है, ऐसे बना के एग्जाम में नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? और किसी पे भी सवाल जा सकता है कि प्लेटो ने सत और आभास की व्याख्या कैसे की है, प्लेटो ने जगत की एकता और विविधता की व्याख्या कैसे की है। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर। ठीक, नीचे में इसी के नीचे आ जाओ, प्रत्यय सामने तीन चार पॉइंट, मिड पार्ट में स्ट्रक्चर चल रहा है, ध्यान करना। प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय के सामने पहला पॉइंट, प्रत्यय वस्तु विशेषों के सार तत्व हैं। प्रत्यय वस्तु विशेषों के सार तत्व हैं। सेकेंड पॉइंट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय जो है प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? केंद्रीय सिद्धांत है। और तो हम प्रत्यय वाले में एक पॉइंट और ऊपर में खींच के लिख सकते हैं कि प्रत्यय, प्रत्यय सिद्धांत लिख लो यहां पर, प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो के दर्शन का
केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है, केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है, लिख लो आप। प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्यय वस्तु विशेषों के सार तत्व है। यस, सार तत्व के बगल में एसेंस लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो। थर्ड पॉइंट, प्रत्यय सामान्य है। प्रत्यय क्या है? सार लो बोलो, प्रत्यय क्या है? सामान्य किसे कहते हैं? किसी एक वर्ग विशेष का सार्वभौम एवं अनिवार्य तत्व ही, अनिवार्य गुण ही सामान्य। तो नोट करो, किसी एक वर्ग विशेष का अनिवार्य एवं सार्वभौम गुण ही सामान्य है। लिख लो आप, किसी एक वर्ग विशेष का अनिवार्य एवं सार्वभौम गुण ही सामान्य है। एक बार फिर से बोलना, अगर सवाल आ जाए प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या है, तो कैसे शुरुआत करोगे? ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सत एवं ज्ञान एवं मत के अंतर, सत एवं आभास, एकता विविधता आदि की व्याख्या हेतु प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन ये प्रत्यय वस्तु, यह जो प्रत्यय सिद्धांत है प्लेटो के दर्शन का, प्रत्यय वस्तु विशेषों के सार तत्व। जैसे हम सारे लोग मनुष्य हैं, हम लोग भी विशेष हैं, हम लोगों का सार तत्व क्या है? कौन सा तत्व? सार लोग बोलो, कौन सा तत्व? सार तत्व का मतलब अनिवार्य तत्व। हम सब लोगों में कौन सा चीज अनिवार्य रूप से पाया जाता है? सब में और अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? आप ये नहीं कह सकते हो आंख हो तब मनुष्य, अंधे भी मनुष्य कहलाते हैं। ये सुनो, आप ये नहीं कहोगे जिसका दो हाथ होगा वही मनुष्य है, जिसमें ये नहीं है वह भी क्या है? तो हम एक मनुष्य शब्द का आरोपण सब पे कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो चीज सब में है। वो कौन सा तत्व है? मनुष्यत्व क्या हो गया? मनुष्यों का सार तत्व कौन? मनुष्य। सारे गायों में, तो हम छोटी गाय को भी कहते हैं गाय है, बड़ी गाय को भी कहते हैं, आखिर किस आधार पे कहते हैं? किसका आधार पे? गोत्व। और गोत्व क्या है? किसका सार तत्व है? गायों। क्लियर? बोलो क्लियर। ये सार तत्व है, एसेंशियल क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी? अनिवार्य तत्व है और सार्वभौम तत्व है सभी गायों में और अनिवार्य रूप से, उसे हम क्या कहेंगे? सारे लोग बोलो क्या कहेंगे? और यही सार तत्व क्या होता है? बोलो क्या कहलाता है? अभी सामान्य की सत्ता कहां पे है ये बताओ, प्लेटो के दर्शन में कहां पर है? मन में है। सुकरात ने कहां कहा? मानसिक है। बोलो, और लौकिक जगत की वस्तु विशेषों में है? कहां पे है? तो लिख लोगे, इन सामान्यों की सत्ता, इन सामान्यों की सत्ता मन और वस्तु विशेषों से, मन और वस्तु विशेषों से स्वतंत्र है। कहां कहां इनकी सत्ता है? लिख लो आप, ये वस्तुनिष्ठ सत हैं। वस्तुनिष्ठ सत, ये शब्द आया है, कौन सा सत? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ नहीं। कैसा? वस्तुनिष्ठ मतलब हमसे बाहर इनकी सत्ता है, ये वस्तुनिष्ठ सत हैं। इनकी सत्ता देश और काल से परे है, नोट कर लो, इनकी सत्ता देश और काल से परे है। कुछ उदाहरण बताओ प्रत्यय का, कुछ उदाहरण, जैसे लिख लो मनुष्यत्व, उदाहरण लिखकर एक पॉइंट लिख लो, मनुष्यत्व, गोत्व, सौंदर्य आदि, मनुष्यत्व, गोत्व, सौंदर्य आदि। एक बार देखो प्लेटो अगर कंप्लीट होता है,
तो प्लेटो के बाद का सारा दर्शन प्लेटो के दर्शन पर धारावाहिक टिप्पणी है ऐसा कहा गया है। तो अगर प्लेटो ठीक से हो गया तो प्लेटो के बाद का दर्शन तो फुट नोट्स है, हम उनको आसानी से कर सकते हैं, किसको अगर ठीक से समझ लें तो। और जब भी आप एग्जाम देते हो तो सबसे पहले प्लेटो का सवाल आता हुआ नजर आता है, प्लेटो या अरस्तु। अरस्तु तभी समझ सकते हो जब किसको समझ लो, तो प्लेटो को विशेष बल दे के पढ़ो। क्योंकि पहली बार जब आप मेंस दोगे, मतलब अगर मेंस का पेपर दे रहे हो फिलोसफी के साथ, तो संभावना प्रबल रहेगी कि पहला सवाल किससे लिखो। और अगर प्लेटो में आपने गड़बड़ी कर दी तो टीचर के दिमाग में मैसेज चला जाएगा कि जब प्लेटो ठीक से नहीं है तो इसका फुट नोट्स भी ठीक से लिखेगा नहीं। और कहा जाता है पहला फर्स्ट इम्प्रेशन इज द, तो पहले ही सवाल में हो सकता है टीचर माइंड मेकअप कर ले कि इसको नंबर, क्योंकि इसने प्लेटो ठीक से नहीं किया है, इसका मतलब आगे भी ये कठिनाई पैदा करेगा। तो इसको विशेष रूप से देख कर जाओ, हमेशा इससे लगभग हर एक साल इससे सवाल लिख रहे हो, इससे या फिर अरस्तु से, दोनों में से कोई एक सवाल तो आना ही है, कभी कभी दो सवाल आ जाते हैं। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर। तो अगर मान लो पूछा जाए प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत या थियरी ऑफ फॉर्म को बताओ, दो पैराग्राफ बताओ सारे लोग, हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, देखो पहला पैराग्राफ होगा, हम ऐसा कह सकते हैं ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने, अगर पुस्तकों का नाम है तो एक दो पुस्तकों का नाम लिख सकते हो, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, मेनो, फीडो आदि में, आदि लिख दो, आदि में प्रत्यय सिद्धांत की विवेचना, सब जगहों पे प्रत्यय सिद्धांत की बात आई है, आदि में प्रत्यय सिद्धांत की विवेचना की है। यह प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय एवं केंद्रीय सिद्धांत, इसी पे बहुत सारी उसकी फिलोसफी के पक्ष उभर कर सामने, आधारभूत है। और सबके सेंटर में कौन है, बोलो सबके सेंटर में कौन है, प्रत्यय है। और इसी पे बहुत सारी चीजें आधारित है, केंद्रीय है और आधारभूत सिद्धांत है, केंद्रीय सिद्धांत और आधारभूत सिद्धांत है। प्लेटो ने सत और संभूति, मतलब दूसरे शब्दों में नित्यता और परिवर्तन, ज्ञान और मत, सत और एकता और आदि की व्याख्या करने के लिए प्रत्यय सिद्धांत को प्रस्तुत। अगर ध्यान करना, अगर प्रत्यय को मानोगे तो किसकी व्याख्या हो जाएगी, बोलो किसकी व्याख्या, फोटो कॉपी जो है उसकी, जो उसकी कॉपी होगी उसके आधार पर किसकी व्याख्या, बोलो ओरिजिनल कहां पर है और उसके कॉपी कहां पर है, बोलो मनुष्य परिवर्तनशील है, हम सारे लोग मनुष्य हैं, मनुष्यत्व अपरिवर्तनशील है, गाय परिवर्तनशील है, वस्तु विशेष है, और गोत्व, तो सत और संभूति की व्याख्या हो गई, बोलो ये स्वर्णो। दूसरे शब्दों में नित्यता और प्लेटो के जो प्रत्यय हैं किसके विषय हैं, और उसकी जो कॉपी है वो किसके विषय हैं, मत के विषय हैं, ये स्वर्णो। प्लेटो के प्रत्यय कौन है, सत हैं, रियल हैं, सत मतलब, और उनकी एक कॉपी है, क्या हो गई, आभास हो गई। प्रत्ययों को मानोगे तो किसकी विशेष व्याख्या, हम सारे लोग एक हैं, क्यों, क्योंकि हम सब में कौन सा तत्व, मनुष्य तो एकता, और उसकी कॉपी के स्तर पे विविधता, ये स्वर्णो। और हमारा ज्ञान कैसा ज्ञान होता है, वही ज्ञान ज्ञान है जो, बोलो ऐसे ज्ञान का विषय कौन, प्रत्यय, बोलो ऐसे ज्ञान का विषय कौन, प्रत्यय। तो इन सब किसी भी पाठ पे जा सकता है कि पूछ सकता है कि एकता और विविधता की व्याख्या प्लेटो कैसे करते हैं, या बींग और बिकमिंग की व्याख्या कैसे करते हैं। जब पूरा पढ़ेंगे तो एक एक करके सवालों को हम लोग देख लेंगे क्रमिक रूप से। अब क्वेश्चन बैंक आपके पास है, ठीक है, इज इट क्लियर। एक बार नीचे में आ जाओ, सेकेंड पैराग्राफ में क्या करोगे, आप सेकेंड पैराग्राफ में पहला चेंज करके बोलोगे कि प्लेटो मतानुसार प्रत्यय वस्तु विशेषों के,
सारे लोग बोलो, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय वस्तु विशेषों के। देखो वस्तु विशेषों का संबंध इस जगत से है, वस्तु विशेष देश काल में है, उनका हम लोग अनुभव करते हैं। किसका ये कैसी क्या है, ये वस्तु विशेष वस्तु है। मनुष्य क्या है, एक पर्टिकुलर है। विशेष वस्तु को पर्टिकुलर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर है। ये स्वर्णो बोलो, ये स्वर्णो फिर से बोलना। प्रत्यय सामान्य है, यहां सामान्य का आशय क्या है, सारे लोग बोलो, एक बार बोल लो। वर्ग विशेष का में पाया जाने वाला गायों का वर्ग है, उस सारे गायों में कौन सा तत्व, सारे मनुष्यों का एक वर्ग है, कौन सा तत्व, ये स्वर्णो इनकी सत्ता कहां पे है, सारे लोग बोलो कहां पर है, अलौकिक जगत में। किससे स्वतंत्र है, हमारे मन से और वस्तु, किससे स्वतंत्र है, हमारे मन से और कहां सत्ता है, इसलिए इनको द्रव्य कहा गया है। क्या कहा गया है, द्रव्य कहा गया। उदाहरण स्वरूप एक बार अपने से पढ़ लो, दोनों पैराग्राफ, दो पैराग्राफ पढ़ो, दो पैराग्राफ पढ़ो। पढ़ लिया, कोई दिक्कत, क्लियर। जब एक बार कर लेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लाइन से सवाल बनेंगे, 90, 91, 92, 18 तक का सवाल क्रमिक रूप से देख लेंगे, और इतना कर लोगे तो फिर तो पर्याप्त है। इतना करके यदि आप जा रहे हो एग्जाम में, तो अगर प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को देखो और संभावित प्रश्नों को देख लो, यूपी पीसीएस का प्रश्न देख लो, यूपी पीसीएस में तो यही सवाल पूछता है, कौन सा सवाल, तो 10 लाइन तो इसी के बेस पे लिख देंगे हम। ये सुनो, मेन स्ट्रक्चर में संबंध, संबंध को दो भागों में बांटो आप। प्रत्ययों का संबंध जो है ये तत्व मीमांसा से भी है और ज्ञान मीमांसा से भी है। प्रत्ययों का संबंध तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से। कई बार इसी पे सवाल बना सकता है कि प्रत्ययों का संबंध तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से है, विवेचन करे 10 नंबर में, सिविल में बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है, प्रत्ययों का संबंध ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों से, संदर्भ है देखो आप, किससे संबंध है, सारे लोग बोलो किससे संबंध है, तत्व मीमांसा। हम इसको सत्ता शास्त्र भी कह सकते हैं, नोट कर लो यहां पर, सत्ता शास्त्र, ऑन्टोलॉजी। कोई अलग से विशिष्ट प्रयास मत करो अंतर करने का, यद्यपि कुछ लोगों ने किया है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत, तत्व मीमांसा, दूसरा नीचे, इसके नीचे एरो देकर, इसके नीचे एरो देकर ये बताओ, तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, जहां पर किसकी मीमांसा हो, तत्व की विवेचना हो, तत्व की खोज हो, एक तत्व है, दो तत्व है, अनेक है, चेतन तत्व है, भौतिक तत्व है। ये सुनो एक बार, सारे लोग बोलना, अगर मूल तत्व भौतिक हो तो कौन सा सिद्धांत, अगर मूल तत्व आध्यात्मिक हो तो कौन सा सिद्धांत, अगर मूल तत्व प्रत्यय हो तो कौन सा सिद्धांत, प्रत्ययवाद, बोलो ये स्वर्णो। यहां मूल तत्व किसे माना गया, प्लेटो के दर्शन में मूल तत्व किसे माना गया, यही सार तत्व है, यही ओरिजिनल है, यही सत है, यही मूल तत्व है, ये स्वर्णो।
तो मूल तत्व किसे, सरल बोलो, किसे माना गया? तो अगर मूल तत्व को, अगर मूल तत्व को भौतिक मानते हो तो कौन सा सिद्धांत, अगर प्रत्यय मानोगे तो कौन सा सिद्धांत, प्रत्ययवाद। ये सुनो, तत्व मीमांसा के नीचे लिखना, मूल तत्व प्रत्यय, मूल तत्व क्या है, प्रत्यय है, मूल तत्व क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। तो नीचे लिख लो, तत्वमीमांसीय प्रत्ययवाद, तत्वमीमांसीय प्रत्ययवाद। तत्वमीमांसा के दृष्टिकोण से यहां प्रत्ययवाद की स्थिति को स्वीकार किया गया है। यहां प्रत्यय मूल तत्व हैं, क्या है, मूल तत्व, उन्हीं की सारी कॉपी जो है ये लौकिक जगत की वस्तुएं हैं। और ये मूल तत्व रहते कहां पर है, ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, सारे लोग बोलना, जहां ज्ञान की विवेचना करते हैं, बोलो ये सुनो, ज्ञान मीमांसा के नीचे एरो देकर लिखना, ज्ञान मीमांसा के नीचे एरो देकर, ज्ञान का वास्तविक विषय, ज्ञान मीमांसा के नीचे लिखना आप तीर देकर, ज्ञान का वास्तविक विषय, बोलो ज्ञान का वास्तविक विषय कौन है, ज्ञान किसे कहते हैं, हम लोग कर चुके हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, जो वही ज्ञान, ज्ञान है जो शाश्वत हो, अपरिवर्तनशील हो, सार्वभौम हो, वस्तुनिष्ठ हो, ये सुनो, उसी ज्ञान को ये ज्ञान मानते हैं। ध्यान करना, इसी टाइप का ज्ञान बुद्धिवादी भी मानेंगे आगे, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज में, उनसे पूछा जाए ज्ञान का लक्षण बताओ, तो वो कहेंगे वही ज्ञान ज्ञान है, या वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जो अनिवार्य हो, अनिवार्य हो, सार्वभौम हो और असंदिग्ध हो, अनिवार्य, सार्वभौम और सब प्लेटो से प्रभावित है। तो एक बार फिर से बोलना, कौन सा ज्ञान ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का वास्तविक विषय कौन हो सकता है, सारे लोग बोलो कौन, प्रत्येक ज्ञान के वास्तविक विषय है, बोलो ये सुनो, क्यों प्रत्यय वास्तविक विषय है, कि प्रत्यय भी कैसे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अपरिवर्तन, मनुष्यों के विनाश से मनुष्यत्व का विनाश, गोत्व गायों के विनाश से गोत्व का विनाश, वो अविनाशी है, नित्य है, वो कैसा है, नित्य है। फिर से बोलना, ज्ञान का वास्तविक विषय कौन, तो ये प्रत्यय जो हो गए ज्ञेय हो गए, ज्ञेय मतलब किसको जानते हैं, प्रत्यय को, यही ज्ञान के विषय हो गए। अच्छा ये बोलो, ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता पर निर्भर है, फिर से बोलना, ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता पर निर्भर है कि नहीं है, कहां पर निर्भर है, न तो आप, न तो हम पे निर्भर है, न तो, बल्कि कहां पर है, नोट कर लो, प्रत्यय, प्रत्यय हो गए गेय, ज्ञान के विषय, गेय के सामने बगल में लिख सकते हो ज्ञान के विषय, जो ज्ञान का विषय होता है वो गेय कहलाता है, प्रत्यय, नोट कर लो, ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता, ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता, ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता। नीचे लिख लेना, ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद, ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद, नीचे तीर देकर, ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद, कोष्टक में अंडरलाइन कर लेंगे वस्तुवाद को, वस्तुवाद, वस्तुवाद को अंडरलाइन करें, लिख लिया, वस्तुवाद को अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिख लो रियलिज्म, 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 क्या लिख लोगे, रियलिज्म, फिर से बोलना, क्या लिखोगे, क्या लिखा आपने, हिंदी में अनुवाद क्या किया, एक बार फिर से बोलना, प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का संबंध तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा, तत्वमीमांसा, प्लेटो के दर्शन में मूल तत्व कौन, सारे लोग बोलना, मूल तत्व कौन, तो चूंकि मूल तत्व प्रत्यय है
इसलिए तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से यहां किसका समर्थन है? सारे लोग बोलो, किसका समर्थन? मूल तत्व प्रत्यय। अगर मूल तत्व भौतिक होता तो कौन सा सिद्धांत है भौतिकतावाद? बोलो, अगर मूल तत्व को हमने आध्यात्मिक माना तो कौन सा सिद्धांत? आध्यात्मवाद कैसा सिद्धांत? अगर मूल तत्व को हमने कहा प्रत्यय मूल तत्व है, प्रत्यय मूल तत्व है, तो कौन सा सिद्धांत? तो तत्व मीमांसा प्रत्ययवाद। बोलो ये सुनो। और ज्ञान मीमांसा में हम किसकी विवेचना करते हैं? ज्ञान के। तो सवाल उत्पन्न होता है ज्ञान का वास्तविक विषय कौन? क्यों वास्तविक विषय प्रत्यय? मैं यही सवाल बना दूं, ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय है, विवेचन करें। कैसे लिखोगे बोलो आप? कि ज्ञान प्लेटो मतानुसार वही ज्ञान ज्ञान है जो नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सार्वभौम है और वस्तुनिष्ठ सत्य, हमसे बाहर जिसकी, ऐसे ज्ञान का विषय लौकिक जगत की परिवर्तनशील वस्तुएं। लौकिक जगत की वस्तुएं विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, सीमित हैं, विशेष हैं। ये सुनो, ऐसी वस्तुएं लौकिक जगत की वस्तुएं ज्ञान का विषय? ज्ञान का विषय कौन हो सकता है? क्यों होगा? क्योंकि प्रत्यय नित्य है, शाश्वत है, परिवर्तनशील है, सार्वभौम है। ये सुनो, अगर ज्ञान नित्य है, ये सुनो, तो ज्ञान का विषय भी नित्य होगा। ये सुनो, लौकिक जगत की वस्तुएं तो अनित्य हैं, विनाशी हैं, तो लौकिक जगत की वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। कौन होगा बोलो? कौन होगा? प्रत्यय। और प्रत्ययों की सत्ता किससे? ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र है कि नहीं है? और जब प्रत्यय क्या हो गए? और जब गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र होती है तो कौन सा सिद्धांत? वस्तुवाद। कौन सा सिद्धांत? मैं पूछूं वस्तुवाद का आशय बताओ, सारे लोग बोलो। वस्तुवाद मतलब वस्तु की सत्ता या गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक एवं, फिर से बोलना, वस्तुवाद किसे कहते हैं? एक बार बोल लो, वस्तुवाद वस्तु या गेय या ज्ञान के विषय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और। हम सामान्यतः अपने जीवन में किस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? वस्तुवाद को। किसको? जैसे अभी आप इस मार्कर को देख रहे हो, मार्कर एक वस्तु है, सारे लोग बोलो मार्कर वस्तु है। टेक्निकल लैंग्वेज में से हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गेय। ये वस्तु क्या है? गेय मतलब, गेय का मतलब अगर सीधे पूछा जाए, इसको हटा के, गेय का मतलब ये हमारे अभिज्ञान का विषय है। बोलो ये स्वर्णो। तो ये गेय हो गई, आप क्या हो गए? तो जो वस्तुवादी होगा वो कहता है वस्तु की सत्ता यानी गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और, ऐसा मानोगे तो कौन सा सिद्धांत? बोलो कौन सा सिद्धांत? तो प्लेटो वस्तुवादी भी है। कौन से दृष्टिकोण से? मैं कहूं प्लेटो वस्तुवादी दार्शनिक है, क्यों? फिर से बोलना, वाद मतलब, वाद मतलब। तो वस्तुवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तु अर्थात, वस्तु अर्थात गेय अर्थात ज्ञान के विषय की सत्ता पृथक और। प्लेटो के दर्शन में ज्ञान का विषय है कौन? प्रत्यय है। बोलो क्यों प्रत्यय है? इसकी सत्ता ज्ञाता से पृथक और, इसका मतलब कौन सा ये सिद्धांत? सीधा सवाल बन सकता, अभी तक बना नहीं है। बोलो ये सुनो, अगर केवल मन में रहा तो मानसिक, अज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र रहा तो वास्तविक, और सिद्धांत कौन? वस्तुवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार गेय की सत्ता अर्थात ज्ञान के विषय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र। बोलो ये सुनो, तो प्लेटो प्रत्ययवादी भी है एक दृष्टिकोण से, प्रत्यय मूल तत्व तो प्रत्ययवादी। अब प्लेटो कौन सा सिद्धांत, कैसा सिद्धांत मानता है? वस्तुवादी। कौन से दृष्टिकोण से मानता है वस्तुवादी? तो प्लेटो ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से वस्तुवादी है। कैसा है? वस्तु, यहां वस्तु का संदर्भ किससे है? ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय मतलब गई है। क्लियर? मेन स्ट्रक्चर में
फोर्थ एस्पेक्ट, एक बात और बताओ कि जो वस्तुवादी है, ज्ञान का विषय जो है प्रत्यय है, प्रत्ययों की सत्ता कहां पे है? लौकिक जगत में कि अलौकिक जगत में? तो इनका वस्तुवाद लौकिक वस्तुवाद है कि अलौकिक वस्तुवाद है? तो नीचे लिख लो जहां वस्तुवाद लिखा है, ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद, क्योंकि यहां प्रत्ययों की सत्ता को अलौकिक जगत में माना गया है, देश काल से परे माना गया है, चूंकि यहां प्रत्ययों की सत्ता को ज्ञान मीमांसा के नीचे वाले पाठ में, चूंकि यहां प्रत्ययों की सत्ता को लौकिक जगत से परे, देश काल से परे अलौकिक जगत में माना गया है, इसलिए यहां अलौकिक वस्तुवाद की स्थिति उभर कर सामने आती है, ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म, इसलिए यहां अलौकिक वस्तुवाद की स्थिति उभर कर सामने आती है। अलौकिक वस्तुवाद, कौन सा वस्तुवाद बोलो, कौन सा वस्तुवाद? अलौकिक वस्तुवाद। एक बात फिर से बोलना, मैं पूछूं सुकरात के अनुसार सामान्य की सत्ता कहां पर है? मानसिक, हमसे पृथक और स्वतंत्र नहीं, इसका मतलब वस्तुवाद नहीं माना संदर्भ विशेष में, ये सुनो, प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय कहां पर? मन से बाहर, परंतु इस जगत में कि उस जगत में? तो वस्तुवाद है, परंतु कैसा वस्तुवाद है? अरस्तु के दर्शन में फॉर्म कहां पर है? मन में कि मन से बाहर? मन से बाहर तो वस्तुवादी हो गई, जिसकी भी सत्ता हमारे मन से पृथक और स्वतंत्र है, इसका मतलब वस्तुवाद की तरफ जा रहा है, बोलो ये स्वर्णो। परंतु वो जो मनुष्यत्व गोत्व है वो कहां निवास करते हैं? तो इसको हम अलौकिक वस्तुवाद ना करके अंतर्वर्ती वस्तुवाद कह सकते हैं, इमिनेंट रियलिज्म। किसके दर्शन को? अरस्तु के दर्शन। किसके दर्शन को? बोलो किसके दर्शन को? ध्यान करना, एक अलग से एक स्ट्रक्चर बनाओ शुरू में, यहां पे नहीं, प्लेटो से अलग हटा के एक शब्द को समझते हैं, फिर आएंगे यहां पर। शुरू में स्पेस एक छोड़ा था ना पेज, हमने कहा था एक पेज और छोड़ दो, कुछ कुछ शब्द मिलेंगे, तो एक शब्द को नोट करो आप, ठीक है? सारा जाल प्लेटो के अंदर है, जितनी चीजें हो सकती हैं सब कुछ प्लेटो के अंदर में, इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि कोई दार्शनिक प्लेटो से भिन्न हो सकता है परंतु पूरी तरह से भिन्न। प्लेटो ने लगभग सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ बात कह रखी है, अनुभववाद के बारे में, बुद्धिवाद, रहस्यवाद, ये लोक, परलोक, ईश्वर, सब कुछ है कुछ ना कुछ। किसके दर्शन में? प्लेटो के दर्शन में, ठीक है? एक अलग से बना लो, दो शब्दों को समझने जा रहे हैं, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का एक पक्ष है ज्ञाता ज्ञेय संबंध, ज्ञाता ज्ञेय संबंध। कौन से दर्शन में है? नहीं, यहां से अलग हटा के, शुरू में पेज एक छोला था ना, अभी जो बन रहा है उससे अलग हटा के समझ लो इस शब्द को, क्योंकि अभी हमने वस्तुवाद शब्द का प्रयोग किया, तो हम शब्द को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। एक बात फिर से बोलना, ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं? जहां ज्ञान की विवेचना चलती हो, ज्ञान की विवेचना में क्या क्या करेंगे? ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, और ज्ञाता ज्ञेय में संबंध कैसा है, ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध कैसा है। तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध के संदर्भ में दो सिद्धांत दिखते हैं। कितने सिद्धांत? सारे लोग बोलो कितने सिद्धांत? दो सिद्धांत। पहला सिद्धांत दिखता है वस्तुवाद, और ध्यान रखना ज्ञान मीमांसा, और दूसरा दिखता है प्रत्ययवाद। कौन सा सिद्धांत? फिर से बोलना, कौन सा सिद्धांत? एक वस्तुवाद और दूसरा वस्तुवाद कहता है कि गेय, गेय मतलब जिसे, और ज्ञाता मतलब मार्कर क्या है? आप सब ज्ञाता हो, यस और नो? बोलो यस और नो। तो
वस्तुवाद कहता है कि गेय की सत्ता ज्ञाता पर निर्भर नहीं करती, गेय की सत्ता ज्ञाता से, सारे लोग बोलो, ज्ञाता से पृथक है, स्वतंत्र है, अलग है, इसका अपना अस्तित्व है। तो वस्तुवादी कहता है कि अगर ये वस्तु, अगर बोर्ड एक वस्तु है तो बोर्ड की सत्ता ज्ञाता पर निर्भर नहीं करती, हम इसे देखें या ना देखें, इस बोर्ड की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये कौन सा सिद्धांत बोलो, कौन सा सिद्धांत? और दूसरी मान्यता लिख लो आप इसी के नीचे, वस्तुवाद के नीचे। पहली मान्यता, वस्तु की सत्ता या गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र है। और दूसरी बात, दूसरी बात वस्तुवाद के, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान, हमें वस्तु के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है। लिख लो, हमें वस्तु के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है। हमें वस्तु के अनुसार, जैसी वस्तु, सारे लोग बोलो, जैसी वस्तु, इस मार्कर को हम जैसी वस्तु है वैसा हम देख रहे हैं, बोलो ये सुनो, हम बोर्ड को बोर्ड के रूप में देख रहे हैं, मार्कर को, पंखे को, एसी को, बोलो ये सुनो, जैसी वस्तु है हम उसका उसी प्रकार से ज्ञान। ये किसकी मान्यता है बोलो, किसकी मान्यता? वस्तुवाद की, गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और, और दूसरा कौन? प्रत्ययवाद। नोट कर लो, गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र न होकर गेय पर ही निर्भर है। नोट करो, गेय की सत्ता, गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र नहीं है, बल्कि बल्कि गेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ज्ञाता पर ही निर्भर है। वस्तु की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र किसके अनुसार? कौन सा प्रत्ययवाद? सारे लोग बोलो, कौन सा प्रत्ययवाद? ज्ञान मीमांसा प्रत्ययवाद। अब संदर्भ को देखो, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है फिलोसफी का। जहां पर भी प्रत्ययवाद आता है वो कठिनाई पैदा करता है। कुछ लोग इसको मानते हैं, थोड़ा आराम से देखने का प्रयास करना। जैसे आप सारे लोग बोर्ड को देख रहे हो, सारे लोग बोलो बोर्ड को देख रहे हो, बोर्ड क्या हो गया? गई है। और मान लो आप प्रत्ययवाद को सपोर्ट करते हो तो कहोगे बोर्ड की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र। अब आप बोलो सारे लोग कि बोर्ड का अनुभव कर रहे हो आप, सारे लोग बोलो बोर्ड का अनुभव कर रहे हो, ज्ञान मिल रहा है, पीछे वाले दिख रहे हैं ना बोर्ड है। अगर बोर्ड का ज्ञान मिल रहा है तो बेसिकली आप जब इसका ज्ञान प्राप्त करते हो बोर्ड का, ये ज्ञान का विषय हो गया, ये मतलब ज्ञान का। तो जब हम किसी वस्तु का, बोर्ड बोर्ड एक वस्तु हो गई, जब हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में हमें उसके कुछ क्या मिलते हैं? आइडियाज। क्या मिलते हैं? मैं पूछूं, ज्ञान मिल रहा है इसका? बोलो बोर्ड का ज्ञान मिल रहा है? किसका ज्ञान मिल रहा है? मैं पूछूं बोर्ड में किसका ज्ञान? आप कहोगे सफेदीपन का। आपके दिमाग में कुछ आइडिया ज्यादा है ना? सारे लोग बोलो आइडिया ज्यादा है। बोलो जब हम बोर्ड को देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? आइडियाज। किसका आइडियाज? सफेदी का। बोलो ये सुनो, आप देख लो तो सफेद दिख रहा है, आयताकार का मिल रहा है? बोलो ये सुनो, कठोरपन का मिल रहा है कि कठोर है? चमकीलेपन का मिल रहा है? बोलो सारे लोग, ब्राइटनेस का मिल रहा है। टच करोगे तो चिकनेपन का मिलेगा, कठोरपन का मिलेगा? ये सुनो, तो जब आप देख रहे हो तो किसका अनुभव कर रहे हो? सारे लोग बोलो किसका? आपको क्या मिल रहा है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आइडिया। बोलो ये सुनो, मान लो किसी को ये पता नहीं है कि बोर्ड है, मान लो किसी को ये जानकारी ना दी जाए कि ये बोर्ड है और उसको बैठा लिया जाए, बोलो, और उसे पूछा जाए बताओ क्या दिख रहा है, तो कहेगा सफेद चीज, कोई वस्तु है जो सफेद टाइप की है। किसका ज्ञान मिलेगा? बोल देगा वो कैसा है, कैसा है, कैसा है, ये सब के सब क्या है? बोलो क्या है? और ये प्रत्यय किसके ऊपर निर्भर है ये बताओ? किसके ऊपर? ज्ञाता के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर? ज्ञाता पर निर्भर।
अब मैं यहां से यदि इस सफेदीपन, आयताकारपन, कठोरपन, चमकीलेपन को हटा दिया जाए तो यहां कोई वस्तु बचेगी? मान लो यहां से आयताकारपन को हटा दिया जाए, सफेदीपन को हटा दिया जाए, चौकोरपन को हटा दिया जाए, कोई वस्तु दिखाई देगी यहां? बोलो, दिखाई देगी। तो ये जो वस्तु है वो और कुछ नहीं है बल्कि किसका कलेक्शन है? बोलो, किसका कलेक्शन? आइडियाज का कलेक्शन है। और आइडियाज निर्भर किस पे है? इसका मतलब वस्तु जो है खुद ही वस्तु किसके ऊपर निर्भर है? ये कौन सा सिद्धांत? ज्ञान मीमांसीय। बोलो, ज्ञान मीमांसीय प्रत्ययवाद। सबसे जटिल सिद्धांत यही है। टॉपिक नंबर 6 देखो, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक में आता है वेस्टर्न फिलोसफी के। टॉपिक नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है। पहला टॉपिक क्या है और दूसरा टॉपिक प्रत्ययवाद का खंडन। इस फिलोसफी ने, इस प्रत्ययवादी फिलोसफी ने पाश्चात्य दर्शन में इतनी जटिलता पैदा कर दी कि आगे चलकर मूर को इसका खंडन करना पड़ा। 6 नंबर का टॉपिक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी का है, उसमें लिखा हुआ है कौन सा सिद्धांत? हम अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः वस्तुओं को अपने से अलग मानते हैं। ये सुनो, कहते कि इसकी सत्ता हमारे ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि इसकी अपनी। बोलो, ये सुनो, तो हम सामान्यतः जीवन में किसको मानते हैं? इस प्रत्ययवाद को मानते हैं कि वस्तुवाद को? परंतु कुछ लोगों ने प्रत्ययवाद माना है कि वस्तुओं की सत्ता, बोलो, वस्तुओं की सत्ता किस पे निर्भर है? बोलो सारे लोग, किस पे निर्भर है? ज्ञेय की सत्ता किसके ऊपर निर्भर? ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र। जैसे जब हम बोर्ड को देखते हैं तो फिर हमें, सारे लोग बोलना, सफेदीपन, बोलने में दिक्कत है, बुलबाल हूं, बोल लो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक बार आ गया समझ में तो लिखने से मतलब है, बाद में इसका खंडन कर देंगे, हम मानेंगे नहीं जो इन लोगों ने बात कही है। अभी शुरू में ये मत देखो ऐसा कैसे कह दिया, ये देखो कि किस आधार पे कह रहा है, बाद में हम खंडित करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि जो जैसे बोर्ड है वो किसका किसका कलेक्शन है? किसका कलेक्शन है? आइडियाज का। ये सुनो, जैसे हम जब बोर्ड को देखते हैं तो हमारे भीतर किसका आइडिया आता है? सफेदीपन, इन सब का क्या आता है? और ये आइडिया किसके ऊपर निर्भर? और आइडिया का समुच्चय कौन? गेय अर्थात बोर्ड। तो बोर्ड किसके ऊपर निर्भर? बोलो, ये सुनो, तो इसका मतलब वस्तु की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र, वस्तु की सत्ता ज्ञाता पर ही। बोलो, ये सुनो, बर्कले में देखेंगे हम लोग कहां पर? प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय हैं परंतु प्रत्ययों की सत्ता ज्ञाता पर निर्भर कहां पर है? अलौकिक जगत में। ये सुनो, बोलो, ये सुनो, एक बार फिर से बोलना, वस्तुवाद किसे कहेंगे? वस्तु या गेय की सत्ता? बोलो अभी, वस्तुवाद। वस्तुवाद एक ऐसा सिद्धांत है, वाद मतलब जो वस्तु या पदार्थ या गेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। और साथ ही यह भी कहता है जैसी वस्तु। दूसरा पार्ट, इसका विरोधी सिद्धांत प्रत्ययवाद, गेय अर्थात वस्तु की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र, वस्तुएं और कुछ नहीं बल्कि प्रत्ययों का, वस्तुएं हैं, बोर्ड है परंतु बोर्ड की सत्ता हमसे पृथक और स्वतंत्र, ये किसका समुच्चय है? प्रत्ययों का समुच्चय है। ये सुनो, बोलो, ये सुनो, कि पूरे जगत का निर्माण किससे हुआ है? इधर देखोगे तो कुछ आइडियाज मिलेगा, इधर में सफेदी, ठोसपन, चौकोरपन, ये सुनो, इसको देखोगे तो कुछ और आइडिया मिलेगा। बोलो, एक ग्रुप का मानना ऐसा है, इज इट क्लियर? तो प्रत्ययवाद वस्तु को किसके ऊपर निर्भर कर देता है और वस्तुवाद, वस्तुवाद गेय की सत्ता को, गेय मतलब वस्तु या पदार्थ या ज्ञान का विषय, कुछ भी कहो, अलग अलग समय अलग अलग तरीके से लिख लिया जाता है। ये सुनो, वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र मानता है।
बोलो ये स्वर्णो, बोलो ये स्वर्णो। अब ध्यान करना, अगर जीवन को जीवन के संदर्भ में इससे थोड़ा सा एक सबक भी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जीवन को अगर वस्तुवाद और प्रत्ययवाद पढ़ लिया तो एक और थोड़ा संक्षेप में देख लो, जो पढ़ना नहीं है। अपने जीवन को संचालित करने के लिए या तो वस्तुवादी बन जाओ या एक है प्रैग्मेटिज्म, उसको व्यवहारवादी बोल सकते हैं, प्रैग्मेटिज्म उसको अंग्रेजी में सीधे सीधे बोलते हैं। जीवन को तीन ही ढर्रे पे आप संचालित कर सकते हो, चौथा कोई ढर्रा नहीं होता है। तीन ढर्रे हैं और तीनों का उपयोग है अपने जीवन में। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा रियलिस्टिक बनो जीवन में। रियलिस्टिक मतलब, कई लोग बोलते हैं ज्यादा आइडियलिस्टिक मत बनो, ये सुनो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रियलिज्म या रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इसको बोलेंगे आइडियलिस्टिक, और इसको बोलेंगे प्रैग्मेटिक। तो जीवन को तीन ही ढर्रों पे, तीन पक्षों के आधार पे संचालित कर सकते हो। पहला कौन, भले बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अनुभवी लोग क्या बोलते हैं, जीवन में कैसे बनो, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं, कैसा रियलिस्टिक। का मतलब मानो कि लोग जो हैं बाहर में जिनका आपको अनुभव मिल रहा है वो आपसे पृथक और स्वतंत्र हैं, ये सुनो, और जो जैसा है उसको उस हिसाब से स्वीकार करो, ये सुनो, जैसी वस्तु। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं। अगर आपने दिमाग में एक बना लिया कि मानो है सामने वाला और मानो के सारे लक्षण होने चाहिए, तब तो चोट लगनी तय है। एक से एक टाइप के अलग अलग लोग हैं, सबको एक ही टाइप से क्यों ट्रीट करते हो, ये सुनो। उसमें एक से एक चालाक होंगे, धूर्त होंगे, चीटर होंगे, कुछ सज्जन प्रवृत्ति के लोग होंगे, ये सुनो। कुछ ही इसलिए मैंने कुछ शब्द लगा दिया, ये सुनो। तो जो जैसा है उसके अनुसार ट्रीट करो, उसको वैसा मानो ना। सबसे अधिक प्रॉब्लम इन लोगों को होता है, आइडियलिस्टिक लोगों को, जो भीतर भीतर ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, कौन सही कौन गलत, हमेशा भीतर भीतर। और एक ग्रुप कौन सा है, प्रैग्मेटिक। कौन सा ग्रुप, जो भी जिससे भी फायदा है वही चीज सही है, जिससे फायदा वही सही। इसलिए कई बार करप्ट लोगों को भी बहुत सारे फॉलोवर मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं उनके फॉलोवर, क्योंकि उससे उनको फायदा है। जिस दिन घाटा होगा पत्थर भी फेंक सकते हैं, मगर जिस जब लगता है कि इससे बहुत फायदा है तो लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही आदमी, उसके लिए लोग लड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है। प्रैग्मेटिक का मतलब वही सही है जो अगर आपके साथ रह रहा है 5-7 साल से और आपसे लगातार फायदा है तो कहेगा बहुत अच्छा आदमी है। और जिस दिन आपको हिट करने से, आपको मार देने से उसे फायदा होगा ना, तो उस दिन वो मार भी देगा, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अब इनको मार देने से मुझे। तो प्रैग्मेटिक लोगों से हमेशा सतर्क रहो। प्रैग्मेटिक लोगों का कभी रिलेशन परमानेंट नहीं होता है। जो प्रैग्मेटिक हो गया तो सारे संबंधों को किससे जो तोलेगा, लाभ और नजदीकी मित्र हो, भाई से रिलेशन वो भी देखेगा फायदा है कि नहीं है, पिता से संबंध वो भी किस पे चलेगा, फायदा है तो पिताजी बोले अच्छे, और जिस दिन पिताजी ने कहा पैसा बेटा बंद, तो केस ठोक देगा उन्हीं के ऊपर, ये सुनो। अब पिताजी हो गए बूढ़े, बोलो आदमी कैसा, बोलो आदमी कैसा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कैसी, जिससे फायदा वही देश अच्छा, जिससे घाटा उसी को कहेगा दुष्ट देश है, उस पर 10 टाइप के प्रतिबंध लगा देगा, कौन, अमेरिका, क्योंकि उससे उसको घाटा नजर आता है, इसका मतलब वो देश ठीक। अब उनको कुछ ना कुछ करेगा, ग्रिप में लेगा, उसको ये नहीं देखना कि वास्तव में वो है कि नहीं है। वस्तुवादी अप्रोच नहीं है कि वहां पे है कि नहीं। जैसे अमेरिका ने इराक पर हमला किया, किस आधार पे किया, ये वहां जैविकी और रासायनिक हथियार है, वास्तव में था क्या वैसी स्थिति, नहीं था, फिर भी अमेरिका कहता है बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि उससे क्या था, अमेरिका को क्या था, तो अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी किससे चलती है। और हम लोग पहले इंडिया में, पहले हम लोग कैसे थे, आइडियलिस्टिक थे, इससे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, तटस्थ रहेंगे, ये सुनो, वो नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, ये सुनो, आदर्शवादी कंडीशन था, इससे बदमा से बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो सैनिक सरकार है, लोकतंत्र नहीं है, इसलिए बात नहीं करेंगे। इजराइल से बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं,
फिलिस्तीनियों को उसने कंट्रोल कर रखा है, ये नहीं बात करेंगे। अब हमारी विदेश नीति भी चेंज हो गई है, अब हम लोग भी क्या हो गए, जो जैसा है वैसे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सुन लो, और साथ साथ क्या हो गए हैं, हम लोग भी प्रैग्मेटिक हो गए हैं। अब इजराइल से भी हम ले रहे हैं, भाई इजराइल से फायदा, इसका मतलब वो भी ठीक, बोलो ये सुन लो, तो बोलो ये सुन लो। अब पूछ रहे पूरे विदेश नीति में कौन सा ट्विस्ट हुआ है, किस दिशा में गया, तो बोलो शुरुआती दौर में हम कैसे थे, बाद में हम, अब हम लोग रियलिस्टिक भी हों साथ साथ। तो जीवन में तीनों का तालमेल होना, ज्यादा आइडियलिस्टिक बनोगे ना, अपने से बाहर किसी की सत्ता ही नहीं मान रहे हो, सबको भीतर दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में बबल्स बनते हैं। कोई कोई ऐसा आदमी होगा, एक दिन आपका मित्र ऐसा होगा, दो दिन बात नहीं करोगे, नाराज होकर बैठा हुआ है तीन दिन से, क्यों भाई दो दिन बात, वो आइडियलिस्टिक आदमी है। कैसा आदमी है, भीतर अपने से बाहर किसी को चीज को, तो आइडियलिस्टिक जिसको देख रहा है उसकी सत्ता किसके ऊपर कनेक्ट कर रहा है, अपने से, सब चीजों को अपने से जोड़ कर देखता है। दो दिन बात नहीं करेगा तो उसको लग जाएगी हम कुछ ना कुछ हमारे एंटी में काम कर रहा है, ये सोनो। और कैसा आदमी, सबसे ज्यादा दिक्कत किनको, आइडियलिस्टिक, भीतर भीतर बनाए हुए, देश में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बाहर निकलता वही चीज हो रही है जो दिमाग में लेके चला है। अब कई सारे दिमाग में आइडिया बना के चलते हैं घर से कि जाएंगे दिल्ली, तोड़फोड़ मचा देंगे, आग लगा देंगे, ये सुनो, पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे। घर से चला था तो ये इसी जोश में चला था, पैसा भी रख लिया पॉकेट में, बोले ये सुनो, आते आते 1.5 लाख दे भी दिया कहीं पे, आते आते 1.5 लाख। अब जैसे जैसे रहता है ना वैसे वैसे उसको लगता है कि यार ठीक काम नहीं किया है, ये कहाँ फंस गए हैं, अकल थोड़ी रुक के आती है, ये सुनो बात। अब करता क्या, भीतर भीतर परेशान होगा वो, अपने भीतर भीतर ही ये सुनो करता रहेगा, कभी यस कहेगा कभी नो कहेगा, बबल बनाता रहेगा, प्रतिदिन उसे फोड़ेगा अपने दिमाग में। और कई लोगों की यही दशा है, इनसे थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए, ये सुनो, वो भीतर ही भीतर आइडिया बनाता रहेगा। आप दो दिन उससे बात कर लोगे, वो भीतर भीतर आइडिया बना लिया, आगे तक सोच लिया दिमाग में, इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना। कौन सा आदमी है, और भीतर भीतर लेके चल रहा है। अब सामने वाले को अलग नहीं मान रहा है कि इस टाइप के भी अलग अलग लोग होते हैं, जो कुछ लोग खुल के बात करते हैं, कुछ लोग भले कंजर्वेटिव वे में बात करते हैं, ये सुनो, हाईली आइडियलिस्टिक आदमी है, भीतर भीतर कुछ ना कुछ बना लेगा। फिर मनोवैज्ञानिक कई तरीके की समस्याएं आती हैं, ये सुनो, फिर वन साइडेड वो डेवलप कर लेगा, फिर बाद में तनाव भी आपको भी करेगा, अपने तो करेगा ही, जिसके प्रति पैदा किया उसको भी तनाव दे देगा। तो ऐसे लोगों से सतर्क कैसे रहो, जो जैसा है उसके अनुसार उसको ट्रीट करो, ये सुनो, ये ज्यादा बेहतर है जीवन संचालन के लिए, इसको रख लो। भले करीबी संबंधों में सोचो कि मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए, घर परिवार के संदर्भ में थोड़ा आप आइडियलिस्टिक हो सकते हो, ये सुनो, अदरवाइज नए लोगों के संदर्भ में। अब अलग से शहर में चले जाओ और वहां रिक्शा वाला बोले कि चलिए मैं आपको अच्छे से सस्ते में दिला देता हूँ, मकान दिला देता हूँ, ये घर होटल दिला देता हूँ, आपको मानव है गरीब है, ये सुनो, मानव है तो गरीब है, बोला सीधा टाइप का दिख रहा है, पता लगा चूना लगा देगा, बोलो आप बन जाओ आइडियलिस्टिक। कई लोग हर एक आदमी को मानव ही समझ लेते हैं कि मानव है, मानव नहीं है, कई सारे लोग जहां ढीला छोड़ोगे कठिनाई कुछ ना कुछ पैदा करेगा। तो थोड़ा आइडियलिस्टिक होने पे बार बार दिक्कत होती है, ये सुनो, इसको थोड़ा कम लोगों के लिए रहने दो, नए लोगों के लिए क्या हो जाओ, मतलब आपको फायदा है तो रिलेशन बना हुआ, नहीं तो कई लोग हाईली प्रैग्मेटिक होते हैं, ये सुनो, अचानक संपर्क में आएगा आपका, जितना नोट होगा ले लेगा, फिर मोबाइल अपना बदल देगा, अब खोज रहे हो कहाँ पे गया, बोले ये सुनो, कौन सा आदमी है, हाईली प्रैग्मेटिक है, आपसे फायदा उठाया, लगा कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है ना, इसलिए कभी अपने पत्तों को सब मत खोलो, कुछ कुछ बचा के रखो, बोलो कि ये भी है, ताकि वो लगे कि इसका साथ रहना जरूरी है, तो कुछ ना कुछ अपने पास मेंटेन करके रखना, साला खोल दोगे और सामने वाला प्रैग्मेटिक लगे इससे अभी फायदा खत्म, अब फायदा खत्म है तो रिलेशन खत्म, ये सुनो, तो बोलो ये सुनो, पुरानी बातें याद आ गई, गुम हो गया है,
उसको लगता है कि उस समय चोट नहीं खाते, वो नहीं होता, ये नहीं होता है, अतीत में घूम गया है, हुआ होगा कुछ ना कुछ, कुछ तो कुछ हुआ होगा पक्का। देखो कितना अनुभवी आदमी है, वैसे देखने से भी अनुभवी लगता है ये, क्लियर। तो जीवन संचालन क्रम में सामान्यतः हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। मानो कि उनकी सत्ता अलग है, क्यों मान लेते हो कि आदमी है तो भगवान ही होगा? आदमी है तो आदमी वाला लक्षण भी तो होगा, कभी कभी गलत तो करेगा ही करेगा। हम उसको भगवान, अपने तो भगवान बने नहीं, सामने से भगवान वाले की उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भगवान हो जाए, कभी झूठ मत बोले। दिन भर लोग दूसरे की इधर उधर की शिकायत करते रहते हैं, बोलो होता है कि नहीं होता है? उसमें स्थिति है कि मनुष्य ही है, भगवान तो नहीं है। तो आप मान के चलो कि वस्तुवादी दृष्टिकोण रखो, मानो उसकी सत्ता हमसे अलग है, ये सुनो, और जो जैसा उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करो। अपने दिमाग में क्यों डाल लियो कि आदमी है तो ये, इसको आदमी वाले सारे लक्षण होने ही चाहिए, ये सुनो, बोलो क्लियर। कौन सा अप्रोच अपनाओगे नई जगहों पे? मतलब लगता है कम पैसे में ये होटल मिल जाएगा, वही ले लेंगे, अच्छा सा होटल मिल जाए तो। बोलो ये सुनो, वहाँ रिलेशन बनाने तो नहीं गए हो ना? बोलो ये सुनो, नहीं तो वहीं जाके हो जाओ आइडियलिस्टिक, कठिनाई पैदा कर लोगे, होगी कि नहीं होगी? तो जीवन संचालन के तीन पक्ष हैं, वस्तुवादी, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब एक संदर्भ में कह सकते हो यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज करो। इसलिए कई बार ऐसे लोग, जो ऐसे लोग जिनकी अगल बगल में प्रैग्मेटिक टाइप के लोग हैं ना, उनकी स्थिति खत्म कर देते हैं। फायदा हो रहा है तो उसके गलत कामों को भी सपोर्ट करेंगे, ये सुनो। अब जब लग गया कि इनका फायदा खत्म, तो वही सब खड़े हो जाएंगे उनके एंटी में, क्योंकि हाईली प्रैग्मेटिक। अब लगता है कि इनका विरोध करने से मुझे फायदा है, तो विरोध करना शुरू कर देंगे। और कई लोग हाईली प्रैग्मेटिक हैं, बिना फायदे के कोई काम नहीं करेंगे, और जो काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है इससे मतलब ही नहीं है, बस केवल अपना फायदा हो इसका मतलब वो चीज सही है, ये सुनो। वास्तव में वो सही है कि गलत है इससे कोई अंतर किस में? प्रैग्मेटिज्म में। किस में? ये सिलेबस में है, बीपीएससी में, पहले ये भी था आईएएस में, 97 से पहले ये भी था, बट अब बदल गया, बदल गया, प्रैग्मेटिज्म को हटा दिया गया। हो सकता है यूपीएससी को लगा प्रैग्मेटिज्म पढ़ाएंगे सब प्रैग्मेटिक हो जाएंगे, तो फिर तो दिक्कत है। ये सुनो, ये भी जरूरी है जीवन के लिए, प्रैग्मेटिज्म भी जरूरी है, परंतु हमेशा रखने पर, बोलो हमेशा रखने पर सारे रिलेशन तभी तक रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, तभी तक रहेंगे जब तक। इसलिए देखोगे कई जगहों पे जो उनके सबसे खासम खास लोग होते हैं वो भी धोखा देते हैं एक 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 स्तर के बाद। प्लस 10 सालों तक साथ 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 दे रहा है, 10 सालों से साथ दे रहा है, आपका खूब विश्वास है, और उसको लगता है कि अब इससे ही है, मुझे फायदा है, तो अपना उनके सामने वाले का विश्वास जीतता रहता है, खूब जीत लिया। अब लगता है ना कि इनको अगर हिट कर देंगे ना, इनको अगर साफ कर दे तो मुझे, मैं और उछल जाऊंगा, और ज्यादा मेरे पास आ जाएगा, तो उनको ग्रिप में ले लेता है। और ऐसे बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं जीवन में, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्योंकि जिनको पोस रखा है वो आदमी है कैसा? प्रैग्मेटिक। ये सुनो, आपकी गलतियों को भी हाँ में हाँ मिलाता जाता है, और बहुत गलतियां इकट्ठा कर लेगा, उसके बाद एक बार में खड़ा हो जाएगा आप ही की जगह पे, आप ही की सीट पे जाके उछल के बैठ जाएगा। पता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, अब इनको हिट करने से ही मुझे। आदमी कैसा? सबके अंदर लक्षण भला हुआ है, किसी में ज्यादा किसी में कम। समझ में आया? समझ में आया, अच्छी बात है, समझ में आ जाना चाहिए, समय से समझ में आ जाना चाहिए। और अभी ऐसा समय भी नहीं हुआ है लाइफ में कि बहुत चीजें गुजर गई हो, अभी तो कई चीजें होनी बाकी है ना? कितने खुश हो आप? नव देखते हैं आप, संदर्भ को देखना आप फिर से एक बार के, कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्ययों का संबंध तत्व मीमांसा से भी और किससे? ज्ञान मीमांसा का एक पक्ष है ज्ञाता ज्ञेय संबंध। तो प्लेटो के दर्शन में ज्ञान का विषय कौन? प्रत्यय। यानी प्रत्यय क्या हो गए? ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक, और कौन सा सिद्धांत? ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र। इसका मतलब वस्तु, इसका मतलब वस्तु। तो प्लेटो वस्तुवादी है, कैसा है? इसी पे सवाल बन सकता है, प्लेटो के वस्तुवाद को स्पष्ट करें,
यश और नो। तो वस्तुवाद का मतलब गेय की सत्ता ज्ञाता से, आगे नोट करते हैं ठीक से मेन स्ट्रक्चर में, इसके नीचे में मेन स्ट्रक्चर में लिखो ज्ञान का विषय, ज्ञान मेन लिखो, ज्ञान मेन स्ट्रक्चर में लिखो ज्ञान। सारे लोग बोलना ज्ञान किसे कहेंगे, कौन सा ज्ञान ज्ञान है जो नित्य हो शाश्वत हो, शब्द का कोई एक शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, नित्य हो शाश्वत हो अनिवार्य हो सार्वभौम हो, सार्वभौम का मतलब सामान्य हो, वस्तुनिष्ठ हो, ये ज्ञान ज्ञान है। फिर से बोलना कौन सा ज्ञान ज्ञान है, नित्य शाश्वत, नित्य हो शाश्वत हो, आप अपरिवर्तनशील कह सकते हो, अपरिवर्तनशील हो अनिवार्य हो सार्वभौम हो वस्तुनिष्ठ हो, ये शरण हो, अपरिवर्तनशील भी कह सकते हो, नित्य शाश्वत अपरिवर्तनशील, ये ज्ञान ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार बुद्धिवादियों ने ऐसे ही ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना है, वही ज्ञान ज्ञान है, क्योंकि वो लोग गणित से प्रभावित है। अब सवाल है कि ऐसे ज्ञान का विषय कौन, ज्ञान का विषय दो भागों में बांट लो, ज्ञान, सारे लोग बोलो ज्ञान का विषय कौन, कैसा ज्ञान ज्ञान, फिर से बोलना कैसा ज्ञान ज्ञान, ऐसे ज्ञान, एक बात बोलना कि ऐसे ज्ञान का विषय क्या लौकिक जगत की वस्तुएं हो सकती हैं, क्यों नहीं, परिवर्तनशील हैं, सीमित है, सापेक्ष हैं, विनाशी हैं, ये सुनो, जब ज्ञान शाश्वत है तो ज्ञान का विषय भी, ज्ञान अपरिवर्तनशील है तो ज्ञान का विषय भी अपरिवर्तनशील होना चाहिए। तो लौकिक जगत की वस्तु में ज्ञान का विषय, हम जितनी चीजों को देख रहे हैं ना सब विनाशी हैं, बोलो है कि नहीं है, कोई ऐसी चीज दिख रही है क्या जो अविनाशी हो, हम देख रहे हैं बोर्ड को, दीवार को, पंखे को, एसी को, एक दूसरे को, सब के सब क्या है, और हम लोग आसक्ति किसमें रखते हैं, विनाशी वस्तुओं में। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, ब्रह्म जो है सर्वोच्च तत्व है, परम तत्व है, विश्व की सभी वस्तुएं तो परिवर्तनशील हैं, प्लेटो में भी देख लो कि किसको ज्यादा महत्व देते हैं, इस जगत को कि उसको, वो नित्य है शाश्वत है अपरिवर्तन, और उसमें प्रत्यय है, वो आगे देखेंगे टॉप लेवल पे शुभ का प्रत्यय बैठा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, शुभ का देखेंगे आगे में। ज्ञान का विषय लेफ्ट साइड में लिखो आप, लौकिक जगत की, लौकिक जगत की या अनुभव जगत की वस्तुएं, लौकिक जगत की वस्तुएं, लौकिक जगत की वस्तुएं होंगी कि नहीं होंगी, लौकिक जगत की वस्तुएं ज्ञान का विषय होंगी, तो नीचे तीर देकर लिखो लौकिक जगत की वस्तुएं के नीचे में नहीं हो सकती, क्योंकि ये, क्योंकि ये सीमित शांत, क्योंकि ये सीमित शांत, शांत मतलब अंत सहित, दंत से लिखोगे सीमित शांत, परिवर्तनशील एवं विनाशी हैं, सीमित शांत परिवर्तनशील विनाशी हैं, नीचे तीर देकर इसी में लेफ्ट साइड में अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य है, ये सब कैसे प्राप्त होते हैं, अनुभव से, अनुभव गम्य है, और नीचे लिख लेना ये मत के विषय हैं, किसके विषय हैं। आप तीन बात, पक्ष बात, तीन बात बताओगे मत के बारे में, ओपिनियन के बारे में, तीन बात, पहली बात मत की प्राप्ति कैसे होती है, बोलो मत का विषय कौन है, ये जगत की वो जगत, लौकिक जगत की वस्तुएं, अब मत की खासियत क्या है, सीमित होगा, परिवर्तनशील होगा, विनाशी होगा, सापेक्ष होगा,
बोले ये सुनो, ये सब मत की विशेषता है, सीमित होगा, बदल सकते हो। हम किसी के भी मत को बदल सकते हैं। आज आपका मत किसी एक पार्टी में है, कल कुछ होगा तो आप अपना मत बदल दोगे। मत को बदला जा सकता है, ज्ञान को बदला। ये सुनो, फिर से बोलना, मैं पूछूं कि मत के बारे में बताओ। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो मतानुसार मत अनुभव गम्य है। मत इन मत के विषय लौकिक जगत की वस्तुएं हैं, चूंकि लौकिक जगत की वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं, सीमित है, सापेक्ष, अतः मत भी, बोलो, मत भी सीमित है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, सापेक्ष। ये सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चन है मत पे, सीधा सवाल है मत पे। ये सुनो, दूसरे साइड में लिख लो, ज्ञान के विषय के दूसरे साइड में प्रत्यय हैं, ज्ञान के विषय के दूसरे साइड में प्रत्यय हैं। कौन है? प्रत्यय हैं। क्यों है प्रत्यय? नहीं, प्रत्यय हैं क्यों है प्रत्यय? क्योंकि प्रत्यय जो है, क्योंकि प्रत्यय नित्य हैं, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील हैं, अविनाशी हैं, सार्वभौम है और वस्तुनिष्ठ सत हैं। नोट कर लो, क्योंकि प्रत्यय नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम, वो आगे विशेषता में लिख लेंगे। प्रत्यय नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम एवं वस्तुनिष्ठ हैं। इसी में नीचे में ज्ञान के विषय वाले राइट साइड में ये न तो मानसिक हैं और न ही वस्तु विशेषों में व्याप्त हैं। नहीं, वस्तु विशेषों में व्याप्त है। देश काल से परे इनकी स्वतंत्र सत्ता है। देश और काल से परे, देश और काल से परे इनकी स्वतंत्र सत्ता है। कहां सत्ता है? कहां सत्ता है लिख लो। अलौकिक जगत में सत्ता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहीं पे लिखो आप। सवाल है कि प्रत्ययों को ये अलौकिक जगत में क्यों ले गए, यहीं पे क्यों नहीं धने दिया जैसे सुकरात ने किया है? तो प्लेटो का कहना है कि यदि किसी की सत्ता है और वो लौकिक जगत में होगा तो अनुभव गम्य हो जाएगा, और लौकिक जगत में जो भी चीजें होंगी सब की सब कैसी होंगी? सीमित होंगी, परिवर्तनशील होंगी, विनाशी होंगी और अनुभव गम्य होंगी। जितने वस्तु विशेष हैं, फिर से बोलना, वस्तु विशेष कैसे हैं? अनुभव गम्य है और कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं। इसीलिए प्रत्ययों को इन्होंने अलग से उठा के कहां ले गए? अगर लौकिक जगत में रखते तो कठिनाई रहती। तो नोट कर लो नीचे में ही, प्रत्यय अलौकिक जगत में क्यों? प्रत्यय अलौकिक जगत में क्यों? अपना दिमाग लगा के बोलो, अलौकिक जगत में क्यों? कि अगर लौकिक जगत में होता तो सीमित और विनाशी हो जाता है। नोट कर लो, अगर प्रत्यय लौकिक जगत में होते तो फिर सीमित, अनित्य और विनाशी हो जाते। ऐसी स्थिति में सार्वभौम ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सार्वभौम ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सार्वभौम ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती। इसीलिए ज्ञान का विषय
अलौकिक जगत में है। कहां पे पहुंचा दिया उन्होंने? फिर से बोलना, कहां पहुंचाया? जानबूझ के पहुंचाया। यहां पे रहता तो दिक्कत होती, सीमित हो जाता, परिवर्तनशील होता, विनाशी होता अनुभव। क्या मतलब? मेन स्ट्रक्चर में नीचे में तीर देकर लिखो, प्रत्ययों का ज्ञान कैसे, प्रत्ययों का ज्ञान कैसे। प्रत्ययों का ज्ञान दो भागों में फिर से बांट लो आप, लेफ्ट साइड में लिखो आप, प्रत्ययों का ज्ञान कैसे के सामने लेफ्ट साइड में लिखो आप, अनुभव से नहीं, क्योंकि अनुभव से नहीं, क्योंकि अनुभव का संबंध लौकिक जगत से है। नोट करो, अनुभव का संबंध लौकिक जगत से है और प्रत्यय लौकिक जगत से परे हैं। अनुभव का संबंध लौकिक जगत से है, अनुभव का संबंध कौन से जगत से? ये संसार से, और प्रत्यय संसार से परे हैं। ये सुनो, इस जगत से क्या है? परे हैं, दूसरे साइड में। अगर अनुभव से नहीं होगा तो किससे होगा? तो नीचे लिख लो, प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि द्वारा, दूसरे साइड में, प्रत्यय का ज्ञान बुद्धि द्वारा। इस संदर्भ में प्लेटो के द्वारा दिया गया सिद्धांत ज्ञान का स्मृति जन्य सिद्धांत कहलाता है। ज्ञान का स्मृति जन्य सिद्धांत वही बता देते हैं। प्रत्यय बौद्धिक अनुस्मरण से जाने जाते हैं, इसी में रेशनल रिकलेक्शन, प्रत्यय बौद्धिक अनुस्मरण से जाने जाते हैं। किससे जाने जाते हैं? बौद्धिक अनुस्मरण से। कैसे? बौद्धिक अनुस्मरण, अनुस्मरण रिकलेक्शन, रिकलेक्शन नोट कर लो, रिकलेक्ट, रिकलेक्शन। अब इसको थोड़ा रुक के यहां समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी एक थोड़ा गूढ़ सिद्धांत है इनका, कि हम प्रत्ययों को जानते कैसे हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं? एक बार फिर से बोलना, प्रत्ययों का संबंध कहां से? इस जगत से कि उस जगत से? उस जगत से। जब हम दोनों जगत को बता लेंगे, बाद में अंत संबंध देखेंगे, क्या संबंध है इसका और उसका। ठीक है, प्रत्ययों का ज्ञान कैसे मिलेगा? सारे लोग बोलो, कैसे मिलेगा प्रत्ययों का ज्ञान? बुद्धि से। और इस संदर्भ में इनका दिया गया सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? अनुस्मरण सिद्धांत, या ज्ञान का स्मृति जन्य सिद्धांत, थियरी ऑफ रेमिनिशियंस और थियरी ऑफ रिकलेक्शन, थियरी ऑफ रिकलेक्शन। सारे लोग बोलो, थियरी ऑफ रिकलेक्शन। कैसे है देखते का प्रयास करते हैं। पहले एक बार मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर थोड़ी बहुत नोटिंग कर लेंगे। सारे लोग बोलो, प्लेटो प्रत्ययों का संबंध कहां से? इस जगत से कि उस जगत से? और ये आत्मा भी है, ये कैसी सत्ता है? लौकिक सत्ता है कि अलौकिक सत्ता है? अलौकिक सत्ता है। ये सुनो, आत्मा लौकिक या अलौकिक? अलौकिक। आत्मा भी नित्य है, शाश्वत है या परिवर्तनशील है? बोलो, आत्मा विनाशी है कि नित्य, शाश्वत और परिवर्तनशील है? आत्मा अमर लोग मानते हैं, प्लेटो ने भी माना है आत्मा अमर है। आत्मा कैसी है? सारे लोग बोलो, आत्मा कैसी है? तो देखो, प्रत्यय भी उसी लोक से, बोलो, आत्मा भी उसी लोक से। मान लो ये आत्मा है, आत्मा भी कहां से संबंधित है? उसी लोक से। बोलो, ये सुनो, प्लेटो का मानना है
कि प्रत्ययों का ज्ञान, प्रत्यय नहीं, प्रत्ययों का ज्ञान सब आत्मा में जन्म से ही रहता है। क्या रहता है? प्रत्ययों का ज्ञान किसमें? सरल बोलो, किसमें? वास्तव में ज्ञाता कौन है? ज्ञाता मतलब जानने वाला कौन है? शरीर की आत्मा, आत्मा ज्ञाता है। और प्रत्ययों का ज्ञान किसमें? सारे लोग बोलो, प्रत्ययों का ज्ञान आत्मा कैसी सत्ता। परंतु जैसे भारतीय परंपरा में माना गया है कि आत्मा जन्म लेती है, बारंबार पुनर्जन्म होता है, तो इनका भी मानना है कि पुनर्जन्म होता है। तो ये आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है, यानी आत्मा जब किसके साथ युक्त होती है? शरीर से युक्त। फिर से बोलना, आत्मा कैसी सत्ता? नित्य शाश्वत अमर अपरिवर्तनशील सत्ता। आत्मा में सभी समस्त प्रत्ययों का कहां पर? सारे लोग बोलो, कहां पर? परंतु जब आत्मा किससे युक्त होती है, तो आत्मा का जो ये ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के भीतर जो ज्ञान है, वह मंद पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? धूमिल हो जाता है। क्या हो जाता है? उस पर धूल पड़ गए। बोलो यस और नो। जो ज्ञान है वह दब गया। कब? जब आत्मा किसके साथ युक्त हो गए? जब सोल बॉडी के साथ एसोसिएट होता है, तो जो उसका नॉलेज है, आइडियाज का, वह फेंट हो जाता है, डीम्ड हो जाता है, मंद पड़ जाता है, या क्या हो जाता है? धूमिल हो जाता है। ज्ञान तो है। अब जैसे जैसे आत्मा जगत में अनुभव करेगी, वैसे वैसे यह ज्ञान निकल निकल कर बाहर आएगा, निकल निकल कर बाहर आएगा। ज्ञान है ऑलरेडी। सारे लोग बोलो, प्रत्ययों का ज्ञान कहां पर है? तो हमारे पास ज्ञान है ऑलरेडी। कहां से? बर्थ, बाई बर्थ। प्रत्ययों का ज्ञान, प्रत्ययों की सत्ता, स्वतंत्र सत्ता, उनका ज्ञान कहां पर? कब से? बोलो, कब से? किससे युक्त होती है आत्मा? तो फिर क्या हो गया वो ज्ञान? आत्मा का जो ज्ञान हो गया, क्या हो गया? मंद हो गया। अब जैसे जैसे अनुभव, जैसे वैसे वैसे उस ज्ञान को हम क्या करते हैं? भीतर से हम उनको रिकलेक्ट करते हैं, हम उनको मेमोराइज करते हैं, हम उनको रिकलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अब एग्जाम्पल को समझने के लिए, प्लेटो के मत को समझने के लिए, हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तो समझ में आ जाएगा। लिखना नहीं है। आप सबने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। ये सुनो, उसको बर्थ में ही, गर्भ में ही पता था कि दरवाजों को कैसे तोड़ा जाता है। कितने दरवाजे थे? 7 में से 6 की जानकारी थी उसे। ऐसा कहा जाता है कि जब 7वें दरवाजे की कहानी, तोड़ने की कहानी सुना रहे थे अर्जुन, तो सुनंदा सो गई, उनको नींद आ गई। ये सुनो, सुनंदा ही नाम था ना, सुभद्रा, सुभद्रा, ठीक है, सॉरी, वो फैक्चुअल मिस्टेक कहीं कहीं हो सकता है, उसको लेके दिल पे, ऐसा नहीं कि इन्होंने गलत बोल दिया है, ये दिल पे मत ले लेना। ये सुनो, सुभद्रा सो गए, तो 6 का तो उसको पता चल गया। वो जब अभिमन्यु का जन्म हुआ, तो उसे उसे पता था कि दरवाजों को कैसे तोड़ा जाता है, परंतु जैसे ही उसने अनुभव किया, देखा उन दरवाजों को कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में ललते वक्त देखा, तो जैसे ही देखा उसका ज्ञान उभर के, ज्ञान तो था उसके दिमाग में। ये सुनो, बोलो ये सुनो, अनुभव किया, जैसे ही जो बताया गया था उसे मिलते जुलती चीजों का, तो क्या करने लगा? अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया कि जो जो भीतर था वो निकल के सामने आने लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्मरण। क्या बोलते हैं आप? इसी को हम ज्ञान का स्मृति जन्य सिद्धांत कहते हैं। अनुभव से ज्ञान नहीं मिलता, परंतु अनुभव ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर लेता है कि जो हमारे भीतर है वो उभर कर बाहर आ जाता है। ये स्वर्णो, बोलो ये स्वर्णो, बोलो। जो बातें अपने महाभारत में बताई गई हैं, अब जाके वर्तमान विज्ञान भी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, गर्भ में भी सिखाया जा सकता। अभी तक माना जाता था, विज्ञान ये कहता था कि नहीं, पैदा होने के बाद ही सिखाओगे, और भी 3-4 साल के बाद सिखाओगे। ये स्वर्णो, भारतीय परंपरा में तो पैदा होने से पहले कब से सिखाया जाता है? अब जाके जो शिक्षित हैं, जिन जो इन चीज़ों से परिचित हैं, वो भी अब जब गर्भ में बच्चा रहता है, तो उस मदर को अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए देते हैं,
अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, ये सुनो, उसको स्पेशली कहा जाता है कि आप गलत चीजों के बारे में चिंतन मत करो, नहीं तो सारा इम्पैक्ट कहाँ सीख लेगा कौन, ये सुनो, बोलो ये सुनो। तो अब ये जो रिसर्च, साइंस का जो रिसर्च है, साइंस अब कहना शुरू किया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसको बचपन में गर्भ में भी सिखाया जा सकता है। तो जो थोड़े अलर्ट जोन में रहते हैं उस समय थोड़े अपने को शांति प्रदान कर देते हैं घर में कि चूंकि बच्चा आने वाला है तो अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी बातें बताओ, अच्छे अच्छे रूप से कई सारे संस्कार कराओ ताकि उसका इम्पैक्ट किस पे चला जाए, आने वाली संतान पे चला जाए। ये सुनो, बोलो ये सुनो। तो होता है क्या कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है उस समय भी खूब मोबाइल, और कम से कम मोबाइल से हटा पाना मुश्किल काम होता है। तो जो निकल भी रहे हैं अभी वो 2-3 साल के अंदर कंप्यूटर के मास्टर हो जा रहे हैं, ज़्यादा दिल पे नहीं लगे, 3-4 साल में तो मास्टर ही कर लेते हैं। बोलो ये सुनो, इधर से उधर डाउनलोड कर लेगा, 4 साल में आपको आपसे एक कदम आगे चला जाएगा। बोलो ये सुनो। तो उसे जो लिखना कहीं पर नहीं है और दिल पे नहीं लेना, समझ में आया। तो उस समय अगर अच्छी चीज़ों को पढ़ा और सुना जाए और उनका मनन किया जाए दिमाग में, खान पान भी सुव्यवस्थित रहे, तो उसका असर आने वाली संतान पर भी ये जाता है। कौन बताता है? महाभारत वहाँ से चूंकि एग्जाम्पल लिए हैं तो एक और सीख ले लेते हैं, सबके लिए फायदेमंद है। ये सुनो, फायदेमंद है ना, ठीक है बोलो। अनुभव गम में कहाँ, दिमाग में बचपन से लेके बैठ निकल रहा है, वो आल है, परंतु स्थितियां जो हैं वो इस एग्जाम्पल को एज इट इज क्यों ले रहे हो आप? ये देखो कि जन्म, जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो उसके दिमाग में था कि नहीं था, वो सारा ज्ञान था कि नहीं था, और कब उसको याद आया? जब कुरुक्षेत्र के फील्ड में उसने दरवाजों को, तो वो चीजें क्या हो गई, वो उनको क्या करने लगा, अनुस्मरण क्या करने लगा। इसी को हम थियरी ऑफ रिकलेक्शन कहेंगे। अनुभव से ज्ञान मिला क्या? नहीं, अनुभव ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि जो ऑलरेडी है हमारे भीतर वो चीजें उभर कर, प्लेटो और सुकरात और प्लेटो की जो पद्धति थी वो मिडवाइफरी मेथोडोलॉजी कहलाती है, धात्री विधि। ये लोग टीचिंग की पद्धति को अलग रूप में देखते हैं। मैंने कल पहले भी बताया था कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आत्मा में तो सारा ज्ञान है ही, आत्मा में है प्रत्यय का ज्ञान, ये सुनो, वो केवल निकलकर सामने आ जाए। ज्यादा अनुभव ज्यादा ज्ञानी, ये सुनो, बोलो बोलो ये सुनो। इसी सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? आप उसके एग्जाम्पल से, अभिमन्यु के एग्जाम्पल से इसे समझने में आसानी हो जाती है। लिखना नहीं है अभिमन्यु के एग्जाम्पल को, फिर से बोलना, प्रत्ययों का ज्ञान कहां पर, परंतु जब आत्मा किससे युक्त, तो फिर उसका आत्मा का ज्ञान, ये सारा ज्ञान मंद और धूमिल पड़ गया। अब आत्मा जैसे जैसे वैसे वैसे उस ज्ञान का, प्रत्ययों के ज्ञान का अनुस्मरण करती जाती है। यही सिद्धांत अनुस्मरण सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन को देखो, 2007 के, नहीं उसको एज इट इज क्यों लेके जा रहे हो, ऐसे समझने के हिसाब से देखो आप उसको, एकदम शाब्दिक कठोर सेंस में मत समझो। 2007, हाँ 2007 का सवाल देखो, 2007 का सवाल देखो, ध्यान रखना, हम अनुभव से प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, अनुभव ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि हम प्रत्ययों के ज्ञान का अनुस्मरण करने लगते हैं, प्रत्ययों का अनुस्मरण करने लगते हैं। ये सुनो, बोलो ये सुनो। तो यहाँ पे लिख लो कुछ पॉइंट्स। प्लेटो मतानुसार, ये थोड़ा रफ खींच लिया ना, ये वाला पार्ट ये लिख लिया ना, ये थोड़ा रफ खींच लो कि आत्मा, प्रत्ययों का ज्ञान जन्म से, आत्मा जब शरीर से, तो आत्मा का ज्ञान मंद धूमिल, जैसे जैसे अनुभव वैसे वैसे प्रत्ययों का अनुस्मरण।
यस और नो, नोट कर लो। प्लेटो मतानुसार आत्मा में प्रत्ययों का ज्ञान जन्म से होता है, जन्मने से पूर्व भी रहता है। प्रत्यय ज्ञान, आत्मा प्रत्यय ज्ञान जन्म से ही विद्यमान रहता है, परंतु जब आत्मा शरीर से युक्त होती है तो फिर उसका ज्ञान मंद या धूमिल पड़ जाता है। हम जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे उन प्रत्ययों का अनुस्मरण होता है। ध्यान रखना, इसका मतलब सारे जो ज्ञान है सुषुप्तावस्था में है हमारे भीतर, उसी को जागृत करना है। ये सुनो, जैसे वैसे वैसे प्रत्ययों का अनुस्मरण होता जाता है, प्रत्ययों का अनुस्मरण, जैसे सुंदर वस्तुओं को देखने पर, जब सुंदर वस्तुओं को देखते हैं तो सुंदर वस्तुओं को देखने पर सौंदर्य का प्रत्यय जागृत होता है। कौन सा प्रत्यय? सौंदर्य का प्रत्यय जागृत होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि हम अनुभव से प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि अनुभव ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है कि हम उन प्रत्ययों का हम जन्म से विद्यमान प्रत्ययों का अनुस्मरण करने लगते हैं, एक बार सारे लोग अपने से पढ़ो, फिर मैं बुलवाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। एक बार लाइन बना बना के पढ़ना। शुरू से पढ़ना है, प्लेटो का प्रत्यय।
मूल तत्व प्रत्यय है ना, तो कौन सा सिद्धांत प्रत्ययवादी हैं, वस्तुवादी भी हैं? बिल्कुल हमने लिखा नहीं है कौन से दृष्टिकोण से प्रत्ययवादी हैं। तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से मूल तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है, तो प्रत्ययवाद भी है। ज्ञान मीमांसा प्रत्ययवादी नहीं है, ध्यान करना। तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से क्या है? दिमाग लगाओ। वस्तुवाद मतलब नहीं, इसी इसी से कोई और ना बोले। वस्तुवाद मतलब केवल शब्द अर्थ बताओ। वस्तुवाद मतलब वस्तुवाद शब्द से खेलो ना। वस्तुवाद ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तु है, वाद दो शब्द हो गए ना। वाद मतलब ऐसा सिद्धांत जिसके अनुसार वस्तु की सत्ता, बोलो वस्तु की सत्ता। वस्तु मतलब गेय की सत्ता, गेय मतलब ज्ञान की सत्ता। बोलो ये सुनो, प्लेटो के दर्शन में ज्ञान कौन है, ज्ञान का विषय कौन है, प्रत्यय की सत्ता कहाँ पर है? ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र है ना। बोलो तो ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र तो वस्तुवाद। बोलो ये सुनो, यही तो समझा रहा हूँ, रूम पे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समय है ना घर पे पढ़ने का, व्यस्त तो नहीं हो गए ना, चैनल नहीं ना खोले हो अभी, ठीक है? तो रूम पे पढ़ना हो जाएगा, फिर रूम पे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान करके, तभी इसका औचित्य। यहाँ बोल रहे हो और रूम पे जाओ एक बार पढ़ो, स्ट्रक्चर सामने रखो और लाइन से एक बार बोल लो, हो जाएगा काम। एक बार पढ़ लो ठीक से, बार बार पढ़ने के लिए नहीं, कलेक्शन की भावना से मत आओ कि हम कलेक्ट करेंगे, प्रयास करो कि यहीं पर कंट्रोल और कमांड हो जाए, कंप्लीट हो जाए दोनों चीज़ें। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट, जो जो काम कर रहे हो कंप्लीट कर सकते हो। और हमारे पीछे वर्षों में अनेक लड़के ऐसे रहे हुए हैं कि प्रीलिम्स के ठीक पहले, प्रीलिम्स देने के बाद क्लास में आए और उसी समय उन्होंने एग्ज़ाम दिया, ये जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, और उस एग्ज़ाम में क्लिक करके निकल गए।
आप कभी मिलना, ये तो अभी मुलाकात तो अब तुलनात्मक उससे ज़्यादा आसान है ओपी चौधरी से। वो प्रिलिम्स के बाद लिया था ओपी चौधरी ने, जो अभी रिजाइन करके अभी लड़े वो, और प्रिलिम्स के बाद दिया और फर्स्ट टाइम दिया, और उसी समय उसी अटेम्प्ट में सीधे सीधे छत्तीसगढ़ कैडर का पहला आईएएस ऑफिसर, होम कैडर का पहला आईएएस ऑफिसर वहीं के छत्तीसगढ़ निवास करने वाला। तो ऐसे बहुत लोग रहेंगे, बट क्लास में इन्वॉल्व रहना, दो तीन बार बोल लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, खुले दिमाग से अगर बैठे हो तो, और नहीं हो तो फिर कलेक्शन वाली भावना, यही प्रवृत्ति प्रबल हो गई है दिल्ली आके भी कि हम बैठेंगे क्लास में नोटिंग करेंगे। प्रयास करो, क्लास का तो महत्व तो इसलिए है कि विषय वस्तु आपके समझ में आ जाए, क्लास में टीचर इसीलिए है ना। अगर मान लो केवल कलेक्शन है तो कलेक्शन तो सबका उपलब्ध है मार्केट में, तो फिर वही काम करने के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आराम से कलेक्ट कर लो। और क्लास में जाके समझ अगर बन रही है तो फिर क्लास को लगातार रखो। इज इट क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे, लगातार अब लेते हुए चलेंगे, और केवल संडे को हम लोग ऑफ रखेंगे। अब आ गया 6 दिन, 6 डेज इन ए वीक रहेगा। क्लियर?